हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लो आ गई नवरात्रि, और नवरात्रि मतलब व्रत। और व्रत के दौरान अक्सर मन करता है कि कम मेहनत में कुछ टेस्टी सी रेसिपी बना लें। तो बस ये रेसिपी आप सबके लिए है, जहाँ पे आप भोग लगाने के लिए या फिर व्रत करने के लिए बहुत ही आसान सी टेस्टी सी ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। पौष्टिक भी है, स्वाद दो गुना। चलिए शुरू करते हैं बनाना। बनाने के लिए पैन में आप ले लीजिए देसी घी। यहाँ पे मेल्ट करके घी ले लिया मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब। और यहाँ पे लेंगे मखाने, तो यहाँ पे आप मखाने ले लीजिए। और मखाने 2 से 2.5 कप के करीब मखाने थे, जिनको क्या करना है, हमें क्रिस्प गोल्डन कलर आने तक इन्हें भून लेना है। तो इसे भून लेने के बाद जब मखाने क्रिस्प हो जाए, तब जाकर जो है हम यहाँ ऐड करेंगे उबलता हुआ दूध। मलाई सहित उबलता हुआ दूध ऐड करना है यहाँ पे। तो दूध जो है मैंने यहाँ पे क्रीम वाला दूध, फ्रेश मतलब गाढ़ी मलाई वाली दूध ली है। तो अब इसमें जो है यहाँ पे हम भर के दूध ऐड कर देंगे। तो दूध यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब दूध ऐड किया है भर भर के। और ये देखिए, दूध जैसे ही आप ऐड करेंगे ना, तो मखाने क्या करेंगे, दूध एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसीलिए दूध की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखिए। दूध की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि मखाना जो है इस तरीके से, देखिए आप देख सकते हैं ना, मखाने तैरने चाहिए, लेकिन मखाने के लेंथ तक ही, जितने ही मेरी दिख रही है ना कढ़ाई में मखाने, उतने तक ही दूध है। तो देखिए इसमें उबाल आने दिया 10 मिनट तक, और चलाते हुए पकाया। 10 मिनट चलाते हुए पका लेने के बाद जो है आपको क्या करना है, केसर वाला दूध। तो मैंने कुछ केसर के स्ट्रैंड्स को दूध में भिगो कर रखा था, और वो केसर वाला दूध इसमें ऐड कर देना है। अब चलाते हुए फिर से पकाएंगे, पर साथ में जो है यहाँ पे हम फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, हरी इलायची को कूट कर इसमें ऐड कर दिया है। उबाल आने देंगे, और जो है चलाते हुए से मीडियम फ्लेम तक 15 मिनट तक और पकने देंगे। 15 मिनट बाद दूध गाढ़ा हो चुका है, कलर आप देख सकते हैं पीला हो चुका है। तो ये देखिए, मैश कर लेंगे हल्के हल्के जो है मखाने, ताकि ये और क्रीमी हो जाए। और अब जाकर जो है यहाँ शक्कर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, अपने स्वाद के अनुसार आपको जितना भी मीठा पसंद हो उतना शक्कर ऐड कर लीजिए। शक्कर हम ऐड करेंगे तब ये क्या होगा, कैरमलाइज होगा। तो इससे और कलर थोड़ा सा इसका चेंज होगा, और टेस्ट भी इन्हांस होगा। तो इसे चलाते हुए मिक्स करके थोड़ी देर गाढ़ा होने तक और पकाएंगे। तो कम से कम 5 मिनट जो है, 5 से 10 मिनट इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अब चलाते हुए और पकाएंगे। और जब ये गाढ़ा हो जाए खीर, देखिए उबाल आने लग जाए ना, तब जाके हमारी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, इस खीर को जो है हमें चलाते हुए थोड़ा तो पकाना ही होगा, जितना मैंने टाइम बताया है उस टाइम के हिसाब से आप बनाएंगे तो आपकी खीर परफेक्ट गाढ़ी मलाईदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। लास्ट में गार्निशिंग कर दीजिए कुछ ड्राई फ्रूट से। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम किशमिश वगैरह, जो भी पिस्ता वगैरह आप लाइक करते हो, मैंने सब डाल दिया है जो मुझे पसंद था। तो वो सब डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए, और ये लीजिए, मिक्स करने के बाद आपकी टेस्टी सी फलहार व्रत वाली खीर बनकर तैयार है। अब चाहें तो इस मखाने खीर को भोग लगाएं, या फिर आप व्रत में भी इसे खा सकते हैं। कम्प्लीट फलहार रेसिपी है, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और मखाने तो आपको पता ही है, पौष्टिक तो होते ही हैं, ड्राई फ्रूट्स दूध इन सब का इस्तेमाल करा है, तो फिर और क्या चाहिए। तो बस इस रेसिपी को शेयर करिए, हम फिर मिलेंगे मजेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।